नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज। और पहाड़ों की आवाज आज विकास खंड नैनडांडा का सुदूर क्षेत्र में पहुंचा है। ये लास्ट गांव है और उसके बाद रिकनिकाल विकास खंड यहां से प्रारंभ हो जाता है आगे से। और इस पे का आज यहां पे ब्रांच खुलना है और ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन होना है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और राकेश रावत जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पे वो अपना एक ग्राहक सेवा केंद्र खोल रहे हैं और जिससे पूरा डिजिटल से यहाँ के लोग नेटवर्किंग से जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है, उद्घाटन होना है। कुछ हम नीचे के सीन आपको दिखाते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। तो पहुंचे हम यहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र में और यहीं पे ये आप सिस्टम देख सकते हैं, पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है और इसी सिस्टम के द्वारा जनता अपनी सुविधाओं को आगे से पाने लग जाएगी यहाँ पे सुविधाएं। तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं, छोटी मोटी दुकान भी साथ में इन्होंने खोल रखी है जिसमें अचार जैम और जो पहाड़ी दालें हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे भंडार खोला हुआ है। तो बहुत अच्छी एक सुंदर पहल एक युवा के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज। और पहाड़ों की आवाज आज उस जगह पे पहुंचा है जहाँ पे एक इतिहास बना है और वो क्षेत्र जो इंटरनेट से काफी चीजों से काफी दूर था, लेकिन आज SBI की जो ब्रांच है यहाँ पे धुमाकोट में, उसका एक छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र यहाँ पे खुला हुआ है और राकेश रावत जी के माध्यम से यहाँ पे जो यहाँ पे सिस्टम को चलाएंगे और इस क्षेत्र को सेवाएं प्रोवाइड कराएंगे, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैनेजर साहब के पास चलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो इतनी दूर क्षेत्र में ये चीज़ें खुलना आप कैसे देखते हैं? यह बहुत अच्छा है, यहाँ के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी कि लोगों को काफी दूर जाना पड़ता था, लगभग 42 किलोमीटर धुमाकोट आना पड़ता था उन्हें, तो उनका काफी टाइम बर्बाद होता था, सुबह से लेकर शाम तक घर पहुंचते थे लोग। तो अब उनको मैक्सिमम सुविधा यहाँ पर मिलेगी, जमा लेन देन जैसे सुविधा है, खाता खोलने की है और आगे जैसे रनिंग होगा तो आगे हम पासबुक प्रिंटर भी यहाँ लगाएंगे, तो उसके पासबुक प्रिंटिंग भी यहाँ पर होगी, तो लोगों को काफी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। मैं राकेश रावत जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि वो इस लोगों को सुविधाएं प्रदान करें और उसमें जो भी हमारा सहयोग होगा SBI धुमाकोट का, तो हम भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। यहाँ पे जो पैसे निकालने या डालने की जो सुविधा मिलेगी ग्राहकों को, वो सीमा कितनी होगी? वो सीमा सर 20,000 की होगी, 20,000 के अंतर्गत वो अपना निकाल सकेंगे, लेकिन उनको सबसे पहले अपना आधार लिंक कराना पड़ेगा। जिनका आधार लिंक नहीं है अकाउंट से, तो उनको ब्रांच SBI धुमाकोट में आके पहले वो अपना बायोमेट्रिक जो है वो वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ पर रनिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे बैंक मैनेजर साहब, धुमाकोट से पहुंचे थे यहाँ पे। तो नेगी जी आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनका होम स्टे भी है हल्दुका क्षेत्र में। तो सर, आज आप मुख्य अतिथि के रूप में थे, इस क्षेत्र के लिए सेवाएं कैसे आप देखते हैं? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पर कि यहाँ से लोगों को 150 रुपया किराया देकर जाना, 150 रुपया किराया देकर आना जी, उसके साथ साथ जो पूरा दिन का समय खराब होता था ये उससे बचेंगे और इनको यहीं पर अपना बैंक की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कई बार ऐसा होता था कि लोग यहाँ से जाते थे धुमाकोट बैंक में, वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है, परेशानों के सारे दिन शाम को वापस घर आ जाते थे, जेब से 400-500 रुपए खर्च होता था बेमतलब का, उस चीज से बचेंगे, उनका पूरा समय बचेगा। और मैं राकेश रावत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने क्षेत्र में यहां पर ये उपलब्धि की है, इसके लिए मैं और क्षेत्र की जनता को खासकर और मातृशक्ति को खासकर मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से यहां पर ये जो यहाँ पर केंद्र खुला है ये भली भांति चले और आप लोगों का पूरा सहयोग मिलता रहे और राकेश रावत जी आपकी सेवा बिल्कुल तत्पर ढंग से कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी गांव या पूरी जनता इस क्षेत्र की यहाँ पे जुड़ी है। आज CSC केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो साहब
आज ये चीज खुल गया ही। अब यूं सुबह तो ढंग से देखो आप तुमकोट में ज्यादा परेशान हो जान चाहिए। बहुत बहुत परेशान, बहुत बहुत। क्यों कि जब हम यहाँ बैठ जान चाहिए तो वह पहली लाइन रन चाहे 100 150 200 हमारे नंबर पता नहीं कब हम चक्कर कभी हम खा लिया चाहे 8 मिनट तक वो कभी बोल दी कि करण बड़ा काम तेज शहर लड़का जो हमारे कह रहा है अच्छी पहल कह रहा है। अब हमारे भी क्षेत्र भी यार व्यक्तिगत बराले से संपर्क में कि अच्छे से अच्छे चला और जनता सेवक था ये अच्छी पहल थी। तर आप लोग बहुत बड़ा हाथ से कि आप लोग जो हम था इन सहयोग देना भी अब मेरा विश्वास कि आप हम था बार बार सहयोग देला या हमारे मुझ समय आ रहे हो चाप से। चलो ठीक है ठीक। अच्छा दीदी दीदी आप रुपये निकलना कर दुमको नहीं जान पड़ा नहीं ये कि तुम तो ये सुविधा मिल यार तो नहीं बैंक तो दुमको बढ़िया लगन है। हां बढ़िया अंदर बड़ी खुशी बात है हैं बड़ी खुशी बात है बढ़िया लगन के ये कह रहा बस यहां पे क्षेत्र में सुविधा हो रहा पर क्षेत्र बाकी बात ट्रेन पर आई धन्यवाद तुम बड़ा और सुविधा को है शांत खुशी चौक है ना सब चीज ट्रेन पर आ गए ना आराम से बात कर ला। हाँ तो आज यहाँ पे खुलते आज बहने भी यहाँ पे हैं जिनको घर चलाने के लिए हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती है और एक कितना कठिन कार्य होता है अपने घर गृहस्थी चलाना ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज हम सुविधा खुल गई ये चीज तो कंठ से देखो हम तो बढ़िया लगना कि एसबीआई बैंक का लोग था दियाल काम दियाल एक बार का तो पैसा दिन चाहे किराया एक बार दुमा कर तक 300-400 रुपए 500 रुपए 500 रुपए तक हो जान सा खर्च। तो देखिए जहाँ पे 500 रुपए इन लोगों के खर्च होते थे तुमाकोट आने जाने में और वो लगता भी नहीं था कि इनका काम श्योर हो ही जाएगा वहाँ पे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है। एसबीआई की जो ग्राहक सेवा केंद्र का लाभ यहाँ की जनता उठाने लग जाएगी। तो दीदी बोलो। हाँ हम तो अच्छा लगना सब नजदीक आए संभव बढ़िया अच्छा बड़ी खुशी बात। हाँ हमारे समय बचवा ये 500 रुपए किराया ली जान छ काम भी नहीं बढ़न छ। राकेश भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यह गोड़े जानता छा सुबेरे अवन भी हमारे जंगला रास्ता छ डेरू लगी छ हम तही और रोड आग सुविधा भी नीचे आज एक सुविधा छ हम खड़ा हम तो बहुत अच्छा लगना छ। एक बैठक का तो किलोमीटर वाला दुमकोट 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर हाँ। और नमस्ते भाई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खुशी बात है कि आप लोगों को हम साथ दिया है अपने को सब साथ दिया बचत ची हम पैसों की बचत ची। तो देखिए हमने यहाँ पे उन ग्रहणियों से भी बात की जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी आज पैसे से चलती है हर चूल्हा पैसे से चलता है और आज उनको अगर सुविधा अपने घर पे अपनी जगह पे मिल जाए और 42 किलोमीटर का जो सफ़र हुआ करता था यहाँ से और दुमाकोट कच्ची रोडों से हिजकोले खाना गाड़ी का कोई निश्चित नहीं और 500 रुपये एक दिन का खर्चा होना उसमें भी काम सेवर हो ना हो लेकिन आज यहाँ की जनता को यहाँ पे ये सुविधा मिलने लग गई है। तो हम भी बहुत बहुत बधाई देते हैं राकेश रावत जी को बधाई देंगे यानी राकेश रावत जी आज हमारे इस मौके पे मौजूद हैं। तो राकेश जी आज एक खुशी का क्षण भी है और आज पूरे गांव वाले इसके साक्षी भी बने हैं क्षेत्रवासी भी बने हैं। तो अब आगे सेवाएं कैसे देखते हैं आप क्षेत्र के। सादर नमस्कार और मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से मैं तत्पर जब से यहाँ पे बैठ रखा हूँ मैंने पहले सीएससी सेंटर खोला था और लगातार मेरा ये प्रयास रहा कि मतलब जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं मेरे गांव के लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और धीरे धीरे करके मैंने ई डिस्ट्रिक्ट ली मेरे पास डिखनी खाल की भी ई डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरा प्रयास था कि मतलब यहाँ पे पासबुक एंट्री नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगा कि पासबुक एंट्री के लिए भी अभी बाहर जाते हैं लोग परेशान होते हैं। तो मैंने समस्या देखते हुए मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पहल कर रखी है और लगातार मतलब जनता की सेवा में रहूंगा और ये मैं करता आ रहा हूँ पहले से। तो जैसे मैंने देखा कि मैं दुमाकोट में रहता हूँ और मैं वहाँ की खबरें बराबर भेजता हूँ लेकिन लोग एक मतलब अपनी बारी का इंतजार ही करते हैं वहाँ पे बैंक के अंदर और फिर खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो अब ये सेवाएं आगे सुचारू रूप से चलने लगी। देखिए
हमने तो पहले भी जब मतलब पहले से सीएससी सेंटर था मेरे पास, तब भी कोई परेशानी नहीं आने दी। और अब भारतीय स्टेट बैंक ने अगर मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंप रही है तो मैं लगातार लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा और लगातार सेवा करता रहूंगा। तो ये थे राकेश रावत जो सीएससी केंद्र यहाँ पे खोले हैं, लक्ष्मण सिंह राव जी जो एक एज द टीचर हैं। तो आज क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले मैं पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आप लोगों ने यहाँ पे हमें जो है सेवा का अवसर दिया। और दूसरी बात, हमारे राकेश भाई ने जो ये कदम उठाया है इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि राकेश भाई के इस कार्य से पूरी जनता जो सेवित क्षेत्र है उसे लाभान्वित होगी और आगे भी जो है समाज के लिए वो कार्य करते रहेंगे। और जहाँ पे जैसे जिस तरह की सुविधाएं जो हमारे पास धुमाकोट में उपलब्ध नहीं है वो यहाँ पे मिल रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारी पूरी क्षेत्र की जनता के लिए। क्षेत्रीय लोगों को फायदा भी मिला है। तो मोदी जी का जो नारा है डिजिटल इंडिया, देखिए डिजिटल इंडिया का नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन वो डिजिटल इंडिया शहरों तक सीमित रह गया। खासकर जो हमारे पहाड़ है यहाँ अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, इसको मैंने देखा। अगर रिंकू भाई ने शुरुआत करी है तो ये डिजिटल इंडिया में पहाड़ का जो डिजिटल हमें बनाना है उसमें एक अच्छा कदम है। और आने वाले जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं यहाँ पे आके कंप्यूटर सेंटर भी खुलेंगे, कंप्यूटर भी सीखेंगे, तो काफी अच्छा प्रयास क्षेत्रीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है यहाँ पे। और कुलदीप सिंह राव जी, जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से निकले हुए पहाड़ों तक की तरक्की और प्रकृति के लिए सोचते हूँ, तो शोभा गोयल जी जो क्षेत्र पंचायत यहाँ पे आते हैं, तो आपका आज इस अवसर को कैसे देखते हैं? आज यहाँ पे जो राकेश भाई ने पहल की है, मुझे सबसे पहले खुशी हुई कि कम से कम हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र को, लोगों को, महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि जो मतलब अपना इतनी दूर से जाते थे, और विशेषकर जो अकेला आदमी है वो जाता है वहाँ, उसको फिर काम नहीं बनता धुमाकोट जाके, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो इसलिए आज जो राकेश भाई ने यहाँ पे इन सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को सुविधा दी है, उसके लिए मैं राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में क्षेत्रीय जनता का भी करती हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय जनता जब सहयोग देती तो आदमी का हौसला तभी आगे बढ़ता है। और इसलिए मैं आप सभी क्षेत्र लोगों का धन्यवाद करती हूँ, राकेश भाई का भी, और आप पहाड़ की आवाज है आप कभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जगह जगह जाके और पहाड़ों के राही जो हमारे कुलदीप भाई है, इसका भी आप सभी जगह से जो है हर चीज़ की दुख है, कई चीज़ें की परेशानी होती है, वो आप लोग मीडिया द्वारा पहुंचाते हो, इसलिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, इसी प्रकार हम किसी और जगह पर आपको फिर एक बार मिलाने का काम करेंगे। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। मैं महिपाल सिंह रावत, सुदूर क्षेत्र जो रिकनिकाल और नैनडांडा ब्लॉक को जोड़ता है, तोड़ी डांडा धुमाकोट से। बस जयत्रानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।